आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी एंड डिलीशियस व्हाइट सॉस पास्ता विद एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले पानी को बॉईल कर लो। जब पानी बॉईल हो जाए थोड़ा सा ऑयल डालो और अपनी पसंद का पास्ता डालो। मैं यहाँ माइक्रोनी यूज कर रही हूँ। अब एक ऑनियन का टुकड़ा लो, उस पे बे लीफ कवर करके क्लव से लॉक कर दो। बॉइलिंग मिल्क में ऑनियन को डाल के 3 से 4 मिनट तक बॉईल होने दे। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लो, उसमें कैरेट, कॉर्न, बीन्स, ग्रीन कैप्सिकम डाले या अपनी पसंद के कोई भी वेजेस डाल सकते हो। थोड़ा नमक डाल के मिक्स कर लो और लिड से कवर करके 5 मिनट तक कुक होने दो। वेजेस को पूरा कुक मत करना, थोड़ा सा क्रंचीनेस बचाए रखना। अब दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा बटर ले। बटर मेल्ट होने के बाद उसमें थोड़ा फ्लावर डाले और स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करे। अब हम इसमें डालेंगे प्रिपेयर्ड ऑनियन फ्लेवर्ड मिल्क एंड विस्कर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड चीज और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे देने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, मोहे मोहे मूवमेंट। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी, इसके लिए मैं आगे का यहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाई। लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला था कुछ सीजनिंग्स जैसे ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो। फाइनली अब हम इसमें डालेंगे वेजीज एंड पास्ता। इसे एक क्विक मिक्स दे और गर्मा गर्म सर्व करे।